व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हो आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत समय पहले हमारे एक स्पेशल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। एक्चुअली मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये याद था कि उन्होंने इसका रिक्वेस्ट किया था। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था, उनके कहने पर मैंने डीओ परचेज भी करा था, लेकिन गलती से डीओ कोई दूसरा आ गया था। लेकिन अब जो है मैंने वो ही सेम डीओ मंगवाया है और उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है उन सब्सक्राइबर से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट से बना है। और ये जो डीओ है उसका नाम है ओल्ड स्पाइस के टिम्बर। टिम्बर वेरिएंट का नाम है, ओल्ड स्पाइस ब्रांड का नाम है, आप सब जानते हो। ओल्ड स्पाइस 1938 से जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक ये खुशबू चली आ रही है। अगर मैं कहूँ ब्रूट के बाद अगर कोई बहुत बेहतरीन और पुरानी कंपनी है परफ्यूम की इंडिया में, तो वो ओल्ड स्पाइस ही है। आपको पता भी होगा हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आफ्टर शेव ओल्ड स्पाइस का ही लगाया करते थे। उस समय पाउडर वगैरह भी आया करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी ओल्ड स्पाइस की। अब इन्होंने जो है अपने परफ्यूम भी लॉन्च करे हैं, तो मैंने पहले भी रिव्यू किया हुआ है वीडियो का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी वो वीडियो बने होंगे, आप सर्च करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा ओल्ड स्पाइस का टिम्बर का क्या प्राइस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लॉन्जिबिलिटी है, कैसी इसकी खुशबू है, क्या नोट्स हैं और क्या इसका प्राइस है, कहाँ से परचेज करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। एक नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, या आप देख सकते हो बॉटल काफ़ी खूबसूरत रेड कलर की बॉटल है। हमेशा की तरह जो ओल्ड स्पाइस का कलर है वो रेड रहा है, ग्लॉसी रेड। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, सो बात करते हैं इस बॉटल के बारे में, इस बॉटल का रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बॉटल है ये, एकदम ग्लॉसी पिंक कलर की बॉटल है जैसा आप देख सकते हो। और ये ओल्ड स्पाइस लिखा हुआ है टिम्बर, हल्का सा ग्रीन कलर में, जोडन बॉडी स्प्रे, 0% गैस, 24 आवर्स फिर फ्रेशनेस। तो ये बॉटल है और इसका ढक्कन भी पिंक कलर का है, सिंपल ढक्कन है प्लास्टिक का, और ये बॉटल स्टील की। ओके, तो ये छोटी मोटी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्राइस 249 है, लेकिन ऑनलाइन इसका प्राइस काफ़ी कम है, मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। और 140 ml की बॉटल है, 115 ग्राम की, आप देख सकते हैं। ओके, गैस डीओ है ये, सॉरी लिक्विड डीओ है ये, गैस डीओ नहीं है, मैंने गलती से उसको गैस बोल दिया। 0% के 24 आवर्स फ्रेशनेस। खुशबू भी ठीक है, अच्छी खुशबू है, आगे मैं इस खुशबू के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था रिव्यू इस बॉटल का, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया, अब बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, इसकी खुशबू कैसी है। देखिए, नोट्स के बारे में तो ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, जो ऑनलाइन मुझे मिली है आपको बता दूँ। जैसी इसकी खुशबू है, सबसे पहले जब आप इसको स्प्रे करते हो ना, सबसे पहले क्रीम की खुशबू आती है, जो एकदम स्वीट सी, थोड़ी सी वनीला टाइप, ऐसी स्वीट सी खुशबू आती है। उसके साथ में थोड़ी सी मसालों की खुशबू आती है, जैसे दालचीनी हो गई ऐसी, उसके साथ साथ थोड़ी सी कोरिएंडर, जो हरा धनिया होता है उसकी खुशबू है, थोड़ी दालचीनी की भी खुशबू है। खास बात यहाँ पर ये है, कड़वाहट के लिए थोड़ी सी मिर्ची खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी सी जैसे मिर्ची खुशबू है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो मिर्ची की थोड़ी सी खुशबू है ना, वो आपको थोड़े टाइम बाद में आती है, मतलब जब आप स्प्रे कर लेते हो 15-20 मिनट बाद में कोई सी खुशबू आती है। तो एकदम जैसे कहते हैं ना, कॉम्बाइंड खुशबू है, कोई स्पेसिफिक नोट्स मुझे यहाँ पर लगे नहीं खुशबू को जब मैंने फील किया तब, तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कम्बाइंड खुशबू करके ऐसा बनाया गया होगा। बट लेट्स सी, देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है, मैं आपके सामने स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये आपने बॉटल देख ही नहीं होगी, टिम्बर लिक्विड डीओ है ये, गैस डीओ नहीं है। ओके, तो जैसा मैंने आपके सामने स्प्रे करा है इसको, काफ़ी जो कहते हैं ना भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है, हल्की सी स्वीट क्रीमी खुशबू, थोड़ी सी वनीला की भी खुशबू यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट, उस वैसी भी खुशबू हल्की हल्की सी मुझे फील हो रही है यहाँ पे।
क्रीमी कोकोनट टाइप, जैसे कि जो बचपन में चॉकलेट खाया करते थे ना, कोकोनट वाली चॉकलेट, वैसी खुशबू मुझे हल्की सी फील हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी अब मुझे थोड़ी सी हल्की सी कोरिएंडर की और दालचीनी खुशबू आ रही है, थोड़ी सी कड़वाहट के लिए। मिर्ची की खुशबू फिलहाल तो मुझे आई नहीं, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करा था तो लगभग 1 घंटे बाद थोड़ी सी खुशबू जो है ना, थोड़ी सी वुडी ओरिएंटल होनी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के आसपास। ठीक है, ओवरऑल जो खुशबू है वो डिसेंट है, कोई ऐसी अगर आप इसको लगाते हो तो ऐसे फील नहीं होता कि आपने कोई चीप खुशबू लगाई है, एक अच्छी खुशबू लगाई है, अच्छी डिसेंट खुशबू लगाई है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक फ़नी सी बात है। मैं जैसे अपना चैनल चेक कर रहा था तो कई लोग जो होते हैं मेरे वीडियो को देखते ज़रूर हैं, कंटिन्यू वॉच भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे एक बात बताइए कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में हर्ज क्या है? आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके सब्सक्राइब करने से बाकी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, तो इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, बाकी लोगों का भी फायदा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो प्लीज़ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऑडियंस होती है उन तक भी मैं जानकारी पहुँचाते रहता हूँ, मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में, जो लेटेस्ट लॉन्च है उसके बारे में। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगी आपको देनी ज़रूरी है। तो इसी जानकारी के साथ वीडियो पर वापस आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो खुशबू है थोड़ी सी 2 घंटे बाद थोड़ी सी स्पाइसी और वुडी हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस खुशबू को कहाँ यूज़ करना चाहिए। देखिए, ये खुशबू एक ऐसी खुशबू है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो सिवाय जिम के इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी सीट्रसी या एक्वाटिक खुशबू नहीं है, तो मैं जिम में इसको यूज़ करना सही नहीं मानता। मतलब मेरा ओपिनियन है, बाकी आप यूज़ कर सकते हो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, और किसी जो नाइट आउट होता है, जैसे रात को फंक्शन होता है, शादी पार्टी वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि नाइट में तो अच्छी खुशबू या रंगत देगी, मतलब जो खुशबू है नाइट में थोड़ी अच्छी खिल के आती है, डे के मुकाबले नाइट में अच्छी जो है खिल के आती है। उसके अलावा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अच्छी है, 5 से 6 घंटे के आसपास आराम से चल जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलती करते हैं परफ्यूम लगाने के बाद, वो जैसे कार में ड्राइव कर रहे हैं, तो कार में ड्राइव करते हैं तो खिड़कियाँ ओपन ओपन रहती है, तो जैसे फास्ट फास्ट हवा आती है तो हवा की वजह से परफ्यूम जो है उड़ जाता है। बाइक पे चलते हो परफ्यूम तो लगा लेते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे बाइक चलाई परफ्यूम उड़ जाता है। तो ऐसी गलती मत कीजिए, जब आपको मालूम है कि आपको बाइक चलानी है तो बॉडी के अंदर स्प्रे करिए, और जब आप किसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपको जाना है वहां जाके इसको स्प्रे करिए। कैरी कर सकते हो बॉटल, छोटी सी तो बॉटल है, वहां जाके स्प्रे करिए तो वो अच्छा तरीका है। वरना कई लोग शिकायत करते हैं कि यार महंगे से महंगा परफ्यूम लगाते हैं लेकिन बाइक चलाने के थोड़ी देर बाद ही उड़ जाता है, तो ऐसी गलती ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह है, प्रिफर मैं ये करूँगा कि आप इसको बॉडी पे लगाएं, ना कि जो है सॉरी कपड़ों पे लगाएं, ना कि बॉडी पे लगाएं। और अगर बॉडी पे लगाना है तो ज़्यादा ना लगाएं, स्पेशली आपको लगाना है गर्दन के पीछे, कान के आसपास, आम पिट के यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा इसको और बढ़ाना चाहते हो आप तो आप जो है इसको अपने कलाइयों पे लगा सकते हो। ठीक है, कलाइयों पे आप लगा सकते हो, उससे भी जो है अच्छी खुशबू निकल के आती है। ठीक है, तो ये जानकारी थी इसकी खुशबू के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। देखिए, ऑफलाइन इसकी प्राइस 249 है, बट ऑनलाइन फिलहाल सेल चल रहा है तो 149 में आपको ये परफ्यूम आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों की ही लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था ओल्ड स्पाइस टिम्बर के डीओ के ऊपर। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए इस परफ्यूम के रिगार्डिंग, कोई भी आपको डाउट है मन में, कोई भी सवाल है किसी भी परफ्यूम के बारे में या डीओ के बारे में या अत्तर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और एक जानकारी आपको मैं दे दूँ, लारा दत्ता का भी एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च हो चुका है, और उसके अलावा जो टाइगर श्रॉफ है उनका भी एक डीओ ब्रांड लॉन्च हो चुका है, प्रोवल नाम से है शायद, उनका भी आने वाले दिनों में हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा द मैन कंपनी के भी 4 जो डीओज हैं या परफ्यूम हैं उनका भी रिव्यू करने वाले हैं आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें। उसके अलावा विलेन का डियो लॉन्च हुआ है रिवॉल्वर, उसका भी रिव्यू करेंगे, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे बात बताई थी, तो उसका भी जो है वो रिव्यू करेंगे आने वाले दिनों में रिव्यू करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरे वीडियोज़ को फॉलो करिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।